कितने लोगों से तो ऐसा मिला जिन्होंने बोला कि हाँ मैंने तो वहीं रह के तैयारी करी थी? तो ओआरएस में मैं होता तो मेरा तो नहीं, मेरा भी नहीं था ऐसे एनवायरनमेंट में रह के निकालना। यार बट व्हाट्स योर ओपिनियन ओवर द पीपल जो ओआरएन में देखते हो आजकल, यू सी कि बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया हो गया है। भाई पहले तो मैं बोलूंगा कि अगर ओआरएन में मैं होता तो मेरा तो नहीं, मेरा भी नहीं होता शायद, मेरा भी नहीं होता। मैं बहुत जल्दी हो जाता हूं। मुझे लगता है कि आई हैव मैसिव रेस्पेक्ट फॉर द पीपल आप एक छोटी सी जगह में रहते हो, खाना अच्छा नहीं है, crowded, बहुत क्राउडेड जगह है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, है ना, इतने डिस्ट्रेक्शंस हैं, मिसगाइडेंस बहुत है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा कंटेंट आपके पास है। मुझे लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में रह के निकालना, आई हैव मैसिव रेस्पेक्ट फॉर For those people, मतलब बहुत difficult है यार, मुझे तो लगता है बहुत difficult है। I believe that यार personally जो एक पहले requirement होता था ना कि you come to Delhi, you have to go to Delhi for UPSC. हम तीनों लोग घर से रहे हैं, right? और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर से करी है। And still they could manage. भाई ये काम मैं बता दूँ, जैसे अभी जो जो स्टॉक्स या पॉडकास्ट काम करेगी या फिर जो जनरल टॉपर टॉक्स करती है, वो कनेक्ट जो था ना टॉपर्स को नहीं मिल पाते वो खत्म हो गया, right, इससे right. प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम तीन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमने बूट कैंप किया। बूट कैंप क्या, पहले क्या हो सकता था कि हम तीन दिल्ली में होते, लोगों को दिल्ली आना पड़ता, क्यों, ताकि वो हमारी इनसाइट्स ले पाएं, भाई तुमने क्या गलत किया था जो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब वो काम ऐसे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं और इसीलिए शायद हम यहाँ भी हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सो दैट कम्युनिटी कैन गेट हेल्प। और अभी सबसे बड़ी बात है, हम कितने लोगों से तो ऐसा मिला जिन्होंने बोला कि हाँ मैंने तो वहीं रह के तैयारी करी थी? ORN वाले ना बहुत लिमिटेड मिले होंगे यार, बहुत कम मिले होंगे, मिला अब तक। ज्यादातर लोग ऐसे क्यों मिल रहे हैं जिन्होंने घर रह के तैयारी करी? आई थिंक जो हम लोग बात कर रहे थे ना डॉट, सब मुझे कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, मेंटल हेल्थ वाला पार्ट की, अब घर रहते हो कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, अब थोड़ा सिक्योर फील करते हो, थोड़ा सेफ फील करते हो। मेरी तो माता जी को पता है भाई मैंने किस क्या किस से गुजरा हूं भाई। और आप घर पे रहते हो तो काफी चीजें सॉर्ट आउट रहती हैं। मुझे मुझे आज भी रात की 2 बजे कॉन्वर्सेशन जो मैसेज आता था ना असद का कि भाई जाग रहा है क्या? मैं बहुत, और ये मुझे पता था ये तो आउट था, हां मतलब मैं जाग रहा हूं क्योंकि भाई की लाइफ में बहुत दुख है, भाई को नींद नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ हर इंसान जो तैयारी कर रहे ना उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि उनकी इस उम्र में तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रियलाइजेशन उनको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब उसका रियलाइजेशन होगा तभी वो बंदा या बंदी जो भी तैयारी कर रही है दे विल पुट गिव देयर 100%। बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए कि अभी मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दे रहा हूँ उसको, बिल्कुल, सो मैं इसको भाई जान लगा दूंगा। अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं शायद कहीं और पैसे कमा रहा होता, कहीं और अपना करियर प्रोग्रेस कर रहा होता, शायद स्टार्टअप कर रहा होता। बिल्कुल, ये डिस्कस भी हुआ था फॉर अ ईयर आपके पैरेलली जो आप छोड़ रहे हो, सम अदर फ्रेंड ऑफ योर्स इज अर्निंग 30 लाख रुपीस। तो वो अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर करो और भाई उस पे काम करो, उसके बेस्ड डिसीजन लो और वो एक मोटिवेशन देखो कि आप अगर लाइफ स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे 2 साल दे रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं, बट फिर देन आल्सो डू नॉट गेट अटैच्ड टू द प्रोसेस, डू नॉट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ इट, रिजल्ट ऑफ, be sensitive and be practical about it. Practical approach. बिल्कुल, romanticism जो UPSC का हुआ ना, it has done more harm to students and their life than good. भाई लोगों को पता है इस बात से मतलब नहीं, जैसे आज it was more about ये नहीं, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि service के result की बात क्या हो रहा है, right? We are focusing on result के पहले क्या क्या था, और people don't want to know about it. लोग मुझे अभी भी Instagram मैसेज आ रहे हैं कि जब लबासना चले जाओगे, we are waiting for your stories. तो लबासना में डालोगे, मुझे भी कल के बाद ये मैसेज आया अपने सर्विस लोकेशन कि you'll have fun in Labasna, we are waiting for the pictures, we are waiting for Labasna pictures. भाई same message आया कि भाई Labasna में you will have fun, you will enjoy Labasna like no other place. सबको देखना है भाई, सबको IAS की royal entry देखनी है, सबको Labasna के videos देखने हैं, लेकिन जो बंदा उस जर्नी को जिया है ना, वो जो बोल रहा है वो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपीलिंग नहीं लग रही भाई। अच्छा एक चीज, दैट्स व्हाई वी आर हियर, वही तो कह रहा हूं, वही तो है पूरा कांसेप्ट कि प्रोसेस पे नहीं फोकस करना कर रहे लोग। एक चीज और देख, डेस्टिनेशन पे जाना, 6 साल में अगली मानता हूं कोई बिगिनर भी है तो अगली 6 साल में 6000 बच्चे निकल जाएंगे यूपीएससी, नहीं निकलेंगे राइट? अटेम्प्ट तकरीबन 18-20 लाख लोग करेंगे 6 साल में, भाई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम 6 अटेम्प्ट के 6 अटेम्प्ट में सिलेक्शन की, इट डजंट गेट इंक्रीज अगली टाइम, प्रोबेबिलिटी उतनी है। देयर आर मेनी ऑफिसर्स जिन्होंने अगले साल अटेम्प्ट किया, दे कुडंट इवन क्लियर प्रीलिम्स। मैं रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, रोमांटिसाइज, टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है, टेक इट एज अ जॉब, मैं आई विल शो अप एट 9:30 ऑन माय टेबल, राइट, आई विल वर्क फॉर 8-9 आवर्स, आई विल हैव टारगेट्स, आई विल मीट माय टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, व्हाटएवर, और भाई मेरा प्रोजेक्ट है ये कोई रोमांटिसाइज्ड, मतलब कोई ये ऐसी दुनिया नहीं है जहां मुझे
पूरी जिंदगी बता, आई एम नॉट हेयर फॉर पंचवर्षीय योजना लेकर नहीं आया, मैं काम करने आया हूँ, प्रोजेक्ट है। और भाई मुझे लगता है ना एक इनहेरेंट एग्रेशन भी होना चाहिए कि भाई छीन लूंगा मैं सीट, कम है तो कोई नहीं, मुझे एक चाहिए। जैसे हमने बोला था कि एक दो तीन तीन सीट जो चाहिए ओपन हो चुकी है। हां ऑफिसर स्टार, ऑफिसर नहीं वो होना बहुत जरूरी है मेरे अंदर, वो पता है मैं एग्रेसिव आदमी नहीं हूं, बट वो इनहेरेंट एग्रेशन था कि भाई मैं एक, हां ये वाला तो कैसे हो सकता है, मतलब वो एटीट्यूड, वो एग्रेशन नहीं, वो उस टाइप का एटीट्यूड रहता है, वो फाइटिंग स्पिरिट होता है कि ये है मेरा है, मैं सी सेट टफ आ रहा है, कुछ भी है भाई मैं इसी के थ्रू ले लूंगा। क्या बात हुई थी, रोक के यही बात थी ना, हमने कहा था कि भाई अब भी नहीं होगा तो कब होगा, अभी इतना सब जो भाई इतना सब कर दिया, फीलिंग ना कि मुझे रोक के दिखाओ भाई मैं सीट ले लूंगा। हाँ, और हाँ, वहां बात खत्म, वो इनहेरेंट एग्रेशन आना बहुत जरूरी है, ताकि ये ना हो कि मैं भाई इस अटेंड में करूंगा तो अगले में क्या करूंगा। लोगों का पैरेलली जो भी तैयारी करने भी जाते हैं कि सर अभी तो देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, I think वो सबसे गलत एटीट्यूड, वो एटीट्यूड सही नहीं है यार। फ्रॉम द डे वन जब से आप आ रहे हो यू हैव टू एम कि अगले वाली में ही खत्म करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तीन साल दूं चार साल दूं, हमें लग गए तीन साल दैट इज ट्रू, बट हम सिंसियर थे तब भी लग गए यार, तो लक का एलिमेंट भी है दैट इज ट्रू, बट आपको पहले दिन से तैयार करना है कि अगला जो अटेम्प्ट है उसमें खत्म करना, आपको 2023 में बैठ के 2026 की तैयारी नहीं बनानी है। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है, जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं, और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।